सो हे गाइस, वेलकम टू एमकेजी एके मोबाइल गेमर। तो यार आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी स्काई फैक्ट्री सीरीज में। और यार आज है इसका पार्ट नंबर 5। तो यार आज से फाइनली हम अपनी स्काई फैक्ट्री को एक पूरी फैक्ट्री बनाना शुरू कर देंगे। जी हाँ गाइस, जैसे कि आपको याद होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो स्काई फैक्ट्री की, तो आपको पता होगा कि भाई हमें स्काई फैक्ट्री में काफी सारी ऑटोमेटिक चीजें बनानी है, जिससे भाई ऑटोमेटिक फार्मिंग होगी, जिससे ऑटोमेटिक माइनिंग होगी। ठीक है, मतलब काफी सारी पूरी जो हमारी स्काई फैक्ट्री है पूरी ऑटोमेटिक बन जाएगी। ठीक है, आपको बता दो जो लोग नए स्काई फैक्ट्री सीरीज में और नहीं जानते कि कौन सी सीरीज है, तो यार मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मेरी ये प्लेलिस्ट देख लेना, जिसमें मैंने अभी इसके पार्ट 4 तक खेल, और आपको देखने के बाद पूरे का पूरी समझ में आ जाएगी कि स्काई फैक्ट्री सीरीज क्या। और भाई सही बताऊं तो काफी ज्यादा मजेदार सीरीज है, और मैंने थोड़े बहुत ऑफलाइन काम भी किए थे, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। तो चलो यार बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओ गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका अपनी स्काई फैक्ट्री वर्ल्ड में। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो सारे के सारे जो पेड़ थे यहाँ पर आयरन के कर दिए, क्योंकि भाई इससे पहले भी मैंने काफी सारे पेड़ लगाए थे आयरन के। वो इसलिए लगाए थे क्योंकि भाई आज के जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें आयरन की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, बल्कि ब्लॉक ऑफ आयरन की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इतने सारे यहाँ पर आयरन लगाए थे। और अगर मैं आपको वहां पर जाके दिखाऊंगा, आप यहाँ पर देख सकते हो भाई यहाँ पर मैंने अपने लिए एक चेस्ट का पूरा सॉर्टेड सिस्टम बना लिया। और भाई ये लामा क्या कर रहे हैं भाई, ये इंट्रो के बीच में यहाँ पर आ जाते हैं, बताओ। ओ गाइस, तो इनको मैंने यहाँ पर मार दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपने जो चेस्ट है इनको सॉर्ट कर लिया बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो यार ये वाली जो चेस्ट है सामने आप जो देख रहे हो नीचे की तरफ, यार यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो ओर्स वगैरह होते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कोबलस्टोन हो गया, यहाँ पर कोल हो गया और रेडस्टोन हो गया, और काफी सारे जितने भी डायमंड वगैरह होते हैं वो यहीं पर रखूंगा। ठीक है यार, और अगर मैं आपको इस साइड दिखाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी जो पेड़ की चीज़ें होती है, जितनी भी जो ट्री से रिलेटेड चीज़ें होती है, वो सारी की सारी यहाँ रहेगी। जैसे कि यहाँ पर हो गई लीव्स, हो गई वुड, हो गई, और जितनी भी सैपलिंग होगी वो यहाँ पर रहेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने फाइनली एक डायमंड की सैपलिंग बना ली। और भाई मेरे कोई भी डायमंड अब बचा नहीं है, क्योंकि भाई पूरे 8 डायमंड मेरे इसमें लग गए, तो और कोई मेरे पास डायमंड बचा नहीं है। ठीक है यार, और यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाली चेस्ट में मैंने अपने जितने भी आर्मर की चीजें होती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो जितना भी आर्मर होता है वो मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम जितनी भी आर्मर की चीजें वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने यहाँ पर एरिया बनाया था जो अपने पैसिव मॉब्स है उनको स्पॉन होने के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर काफी सारे ऐसे काउज और शीप भी स्पॉन हुई थी, बल्कि यहाँ पर घोड़े भी स्पॉन हुए थे। तो यार वो सब यहाँ से मर गए, क्योंकि यार यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही फेंस नहीं लगाई थी, इसकी वजह से वो यहाँ से नीचे गिर गए। तो यार मेरे को बाद में यहाँ पर फेंस लगानी पड़ेगी। और अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं तो यार मेरे को एक चीज मिली थी जिसका नाम था लव एमुलेट। तो यार उससे क्या होता है ना, जैसे मैंने उसको यूज किया, और यूज करने के बाद क्या होता है कि मेरे आसपास जितने भी 3 या 4 ब्लॉक के रेडियस में कोई भी मॉब आता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली मर जाता है। जी हाँ गाइस, जैसा आप यहाँ पर सामने देख सकते हो जितने भी सारे मॉब्स हैं मैं इनको बिना मारे बस इनके पास जाके ये मर जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पर आगे जाऊंगा तो गाइस फाइनली बिना मारे मर गए। बस ये जो क्रीपर है और जितने भी स्केलेटन वगैरह इन पे काम नहीं करता, बाकी जो जितने भी ऐसे मॉब्स होते हैं वो तो यार एक झटके में मर जाते हैं इनके पास जाके। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने काफी सारे जो लूट है इनकी इकट्ठा कर लिया। और भाई यहाँ पर एनविल भी मैंने लगा ली था, सॉरी एनविल नहीं, हॉपर भी मैंने लगा ली था। भाई मैं एनविल और हॉपर में काफी सारा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, और गाइस मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जो हमारे चेस्ट का सॉर्टिंग सिस्टम है वहाँ पर मैंने एक और नई चीज रखी थी, ये वाली चेस्ट, जिसमें यार हमारी स्काई फैक्ट्री की जितनी भी नई चीजें, मतलब जो हमारी माइनक्राफ्ट में नई चीजें देखने को मिल रही है, वो मैं इस चेस्ट में रखूंगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो जितने भी मेरे पास एमुलेट थे वो मैंने इस चेस्ट में रख दिए, और जो जितने भी कॉमन बैग्स थे या फिर जितने भी जो बैग्स होते हैं वो मैंने इस चेस्ट में रख दिए। ठीक है, तो इन बैग्स को हम बाद में खोलेंगे या फिर इस वीडियो को एंड में खोलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने काफी सारे ऐसे आयरन के पेड़ लगाए थे, वो किस लिए, क्योंकि भाई मैंने आपको बताई थी कि भाई आज के एपिसोड में हमें आयरन की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ओ गाइस, तो फाइनली यहाँ पर सुबह हो चुकी है, तो जल्दी से अब जो जितने भी मेरे पास आयरन के पेड़ हैं इनको मैं काट लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को काफी सारे ढेर सारा आयरन चाहिए। और मैं आपको बता दूं मेरे पास उस चेस्ट में पहले से भी काफी सारा आयरन पड़ा था, तो उसको भी मैं बाद में यूज कर लूंगा। ठीक है, तो जल्दी से जितने भी पेड़ हैं इनको मैं काट लेता हूँ। और गाइस देख सकते हो मैंने अपना जो पहला पेड़ है यहाँ पर काट लिया, तो मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पर जल्दी से जो अपनी डायमंड की सैपलिंग है इसको मैं लगा देता हूँ। तो गाइस मेरे पास यहाँ पर बोन मिल आ चुका है, तो जल्दी से इस पे मैं मारता हूँ। और गाइस फाइनली जो हमारे डायमंड का पेड़ है वो यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर जल्दी से इसकी जो सैपलिंग है यहाँ पर अपने आप गिर जाएंगी, तब तक जो बाकी के पेड़ इनको मैं यहाँ पर तोड़ लेता हूँ। 1 minute 37 seconds later। ओ गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो आयरन के पेड़ थे यहाँ पर काट लिए हैं, और देखते हैं हमारे पास कितने आयरन के नगेट्स आए हैं। तो यार यहाँ पर मेरे को लग रहा है 3.5 स्टैक आयरन के नगेट आए हैं, तो मेरे को लग रहा है इतने काफी होंगे, या फिर मेरे पास और भी आयरन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ जितने भी मेरे पास डायमंड के पेड़ है इनको जल्दी से मैं काट लेता हूँ, और देखते हैं भाई इससे हमारे पास कितने सारे डायमंड नगेट्स आते हैं। ठीक है, और देखते हैं उससे हम कितने डायमंड्स बना पाएंगे। तो जितने भी पेड़ इनको मैं यहाँ पर काट लेता हूँ। ओ गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो अपने डायमंड के पेड़ यहाँ पर मैं काट लिया, और देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर 10 डायमंड आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पर अपने लिए एक डायमंड का ब्लॉक तो बना ही सकते हैं। ठीक है, तो और मैं क्या करता हूँ जल्दी से जितने भी जो खाली हो चुके हैं ना ग्रास के ब्लॉक्स, यहाँ पर मैं जल्दी से अपने आयरन की सैपलिंग लगा लेता हूँ, क्योंकि भाई आयरन की तो आज हमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर रखी है मेरे पास आयरन की सैपलिंग। तो आप देख सकते हो भाई सैपलिंग की तो मेरे पास बिल्कुल ही कमी नहीं हुई है, तो यहाँ पर जल्दी से जितने भी जो आयरन की सैपलिंग है वो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। ओ गाइस, तो चलो अब अपनी बुक में देखते हैं कि भाई जो हमें चीज यहाँ पर क्राफ्ट करनी है, जो पावर कोर था वो किस चीज से क्राफ्ट हो पाएगा। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पर मैं आगे चलता हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमें स्टार्ट ऑफ मशीन में लिखा हुआ है क्राफ्ट अ पावर कोर using 1 diamond block, 4 iron block and 4 redstone block. The power core is required for any machine that uses power. It will distribute power in 30 blocks of radius. तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर हमें आगे चलते हुए और भी पावर कोर क्राफ्ट करने पड़ सकते हैं, क्योंकि भाई जो इसमें जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर हमें 30 ब्लॉक का रेडियस चाहिए होगा, ठीक है। उसके लिए तो यहाँ पर जल्दी से जो अपने डायमंड का ब्लॉक है, रेडस्टोन के ब्लॉक है और जितने भी आयरन के ब्लॉक है वहाँ पर मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ। उसके लिए मेरे को यहाँ पर जाना पड़ेगा और जितने भी मेरे पास आयरन और रेडस्टोन है वो यहाँ से लाने पड़ेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपनी क्राफ्टिंग टेबल के पास। तो जल्दी से जितने भी मेरे पास यहाँ पर आयरन के इनगट्स बन रहे हैं वो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ और देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कितने आयरन के इनगट्स बन पाते हैं। तो यहाँ पर जितने बन रहे हैं इनको मैं जल्दी से बना लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर 64 एक स्टैक बन चुका है और यहाँ पर 22 और आयरन इनगट्स आ चुके हैं, ठीक है। और जल्दी से अब जब रेडस्टोन के ब्लॉक्स इनको यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। तो हमें 4 रेडस्टोन के ब्लॉक्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पर हो गए 1 2 3 4। ओ गाइस, तो आप देख सकते हो जो हमारे फाइनली रेडस्टोन के ब्लॉक्स हैं वो भी यहाँ पर क्राफ्ट हो चुके हैं। और अब मेरे को बस अपना जो लास्ट है वो है डायमंड का ब्लॉक क्राफ्ट करना, तो उसको भी यहाँ से मैं जल्दी क्राफ्ट कर लेता हूँ। और अब यहाँ से जो अपने आयरन के ब्लॉक है इनको भी मैं यहाँ पर क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो 4 यहाँ पर आयरन के ब्लॉक चाहिए होंगे। तो यहाँ देख सकते हो फाइनली जो हमारा पावर कोर है उसकी यहाँ पर रेसिपी आ चुकी है। तो गाइस कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, देख सकते हो। तो यहाँ पर जल्दी से इसको मैं अपनी इन्वेंट्री में ले लेता हूँ। तो भाई फाइनली जो हमारी स्काई फैक्ट्री की फर्स्ट मशीन है वो यहाँ पर बन चुकी है। तो इसके लिए जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। ओ गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ जो अपना ये पावर कोर है इसको मैं लगाऊं कहां, तो मेरे को लगता नहीं कोई यहाँ पर जगह होगी मेरे आसपास। तो मैं सोच रहा हूँ इसको अभी के लिए सिर्फ यहाँ पर मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हम इससे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरेक्ट से क्या होगा? ओके गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है 0 out of 1 lakh। तो मेरे को लग रहा है ये इसकी जो पावर है वो है यहाँ पर लिखी हुई है। तो अभी तक यहाँ पर 0 पावर इसको मिल रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर तो हम ये जो पावर कोर है बिल्कुल ही ऐसे मतलब बिल्कुल ही काम का नहीं है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है हम इसको अपनी तरफ से पावर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से अपनी जो बुक है इसको मैं यहाँ पर खोलता हूँ और देखते हैं भाई इसको हम कैसे पावर दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो 20 टास्क है यहाँ पर लिखा है जनरेट पावर। यहाँ पर लिखा है क्राफ्ट अ कंबशन जनरेटर, सोलर जनरेटर, बायो जनरेटर, लावा जनरेटर, स्टीम जनरेटर और वाटर व्हील टू स्टार्ट मेकिंग पावर। भाई इतने सारे जनरेटर बनाने पड़ेंगे एक पावर के लिए। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा कंबस्टन जनरेटर। तो देखते हैं भाई कंबस्टन जनरेटर जो है वो कैसे बन पाएगा। तो यहाँ पर जल्दी से मैं जाता हूँ अपनी क्राफ्टिंग टेबल में और देखते हैं भाई इसकी यहाँ पर रेसिपी क्या है। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो कंबस्टन जनरेटर बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 4 रेडस्टोन के ब्लॉक्स और यहाँ पर 4 आयरन के इनगट्स और बीच में हमें एक फर्नेस रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फर्नेस तो यहाँ पर बना लूंगा और जो आयरन के ब्लॉक्स हैं जो रेडस्टोन के ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पर जल्दी से मैं बना लेता हूँ। तो 4 यहाँ पर रेडस्टोन के ब्लॉक चाहिए, ठीक है। और अब जल्दी से मेरे को बस एक फर्नेस बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो अपना कोबलस्टोन है उसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ओ गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर फाइनली एक फर्नेस भी बना लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फाइनली जो हमारा कंबस्टन जनरेटर है वो यहाँ पर बन पाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको मैंने यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री में ले लिया। तो और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें लिखा है 24 RF/s। तो मेरे को लग रहा है जो ऐसे सेकंड को डिनोट करता है। तो भाई इसको मैं कहाँ रखूँ, एक काम करता हूँ इसको मैं यहीं पर रख देता हूँ। तो मेरे को लगता है यहाँ पर कुछ हो पाएगा या नहीं। ओके यार, तो यहाँ पर अभी भी 0 ही दिखा रहा है। तो मेरे को लगता नहीं कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पर कंबस्टन जनरेटर का मेरे को पता नहीं इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से बुक में आगे देखता हूँ यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ओके यार, तो जो हमें नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्राफ्ट करनी है उसका नाम है यहाँ पर सोलर जनरेटर। तो भाई सोलर जनरेटर की रेसिपी देखते हैं सबसे पहले क्या है। ओके गाइस, तो सोलर जनरेटर क्राफ्ट करने के लिए हमें चाहिए होंगे 3 लैपिस के ब्लॉक, 1 आयरन का ब्लॉक और यहाँ पर 2 रेडस्टोन के ब्लॉक, ठीक है। तो इसको मैं इजीली क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो पर यार मेरे को लगता नहीं मेरे पास यहाँ पर लैपिस के ब्लॉक होंगे, क्योंकि लैपिस की मेरे पास काफी ज्यादा कमी है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं जाके देखता हूँ भाई, देखते हैं लैपिस हमारे पास कितना सारे है, ठीक है। ओके गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लैपिस तो भाई हमारे पास सिर्फ 15 ही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो हमारी सैंड है उसको सीव करना पड़ेगा, क्योंकि भाई लैपिस तो मेरे को उससे ही मिलता है। तो जल्दी से अपनी जो सैंड है उसको सीव कर लेता हूँ और देखते हैं हमारे पास कितना लैपिस आ पाता है। ओके गाइस, तो यार फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो भाई मैंने यहाँ पर 64 सैंड के आसपास यहाँ पर सीव किया और उससे मेरे को पूरा 21 लैपिस मिल गया और यहाँ पर 6 मेरे पास पहले ही पड़ा था, ठीक है यार। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो जो हमारा सोलर जनरेटर है वो भी यहाँ पर क्राफ्ट हो पाएगा। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने इसको अपनी इन्वेंट्री में ले लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके नाम के आगे लिखा है 4 RF/s। तो यार मेरे को इसमें सही में नहीं पता है RF की चीज क्या है। और यार देखते हैं हमारे पास ये जो इंटरेक्ट का ऑप्शन है इसमें अभी भी यार 0 दिखा रहा है, पता नहीं कैसे काम करता है। तो यार अगर आपको पता होगा तो यार प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और हो सकता है मेरे को आगे बुक में पता चल जाए, ठीक है यार। तो यहाँ पर जितनी भी जो आयरन की सैपलिंग है इनको मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ। ओके गाइस, तो जल्दी से आप अपना नेक्स्ट टास्क देखते हैं जो उस बुक में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर मैं जल्दी से आगे चलता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो अब हमें बनाना है बायो जनरेटर और उसके बाद लावा जनरेटर। भाई कितने सारे हमें यहाँ पर जनरेटर बनाने पड़ेंगे और मेरे को लग रहा है सारे जनरेटर बनाने के बाद ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पर पैदा हो पाएगी, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले जो हमारा बायो जनरेटर उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो बायो जनरेटर आप देख सकते हो इसके लिए हमें यहाँ पर 3 ग्लास के ब्लॉक चाहिए होंगे और यहाँ पर हमें रेडस्टोन के ब्लॉक और सारे साथ एक गोल्ड का ब्लॉक भी चाहिए होगा और थोड़े बहुत आयरन के इनगट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो रेडस्टोन और गोल्ड की तो मेरे पास कमी नहीं है, पर यार जो ग्लास है ये मेरे को बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से पहले मेरे को इससे सैंड बनानी पड़ेगी, फिर मैं उससे ग्लास बना पाऊंगा, ठीक है यार। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो जो गोल्ड का ब्लॉक है वो मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ था। तो जल्दी से अपनी जाते हैं क्राफ्टिंग टेबल के पास और यार कितनी सारी हमें यहाँ पर चीजें बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ क्राफ्टिंग टेबल में और गाइस फाइनली जो हमारा बायो जनरेटर है वो भी यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं अपनी इन्वेंट्री में ले लिया है। अब देखते हैं भाई इससे कुछ होता है या नहीं। इसको भी मेरे को यहाँ पर रख देता हूँ और मेरे को लगता नहीं इससे भी कुछ होगा। तो यार ये पता नहीं काम कैसे करते हैं, मैं इन पे क्लिक किए जा रहा हूँ पर यार कुछ काम करते नहीं। पर यार इस पे इंटरेक्ट पे क्लिक करूँ तो गाइस फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो भाई यार कैसे एकदम से 700 हो गया। ये जो जो मतलब इतनी देर से अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा था, इसमें जीरो लिखा हुआ आ रहा था, एकदम से 700 हो गया। भाई सही में हुआ क्या यार एकदम से। तो देखते हैं भाई अब हमें क्या बनाना पड़ेगा। तो उसमें लिखा था हमें यहाँ पर लावा जनरेटर बनाना पड़ेगा। तो लावा जनरेटर की यहाँ पर रेसिपी देखते हैं सबसे पहले। तो लावा जनरेटर यहाँ पर मैं फाइंड करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होंगे 2 यहाँ पर ग्लास के ब्लॉक, थोड़े बहुत आयरन और यहाँ पर रेडस्टोन और यहाँ पर लावा की बकेट चाहिए होगी। ठीक है, तो लावा की बकेट तो यहाँ से मैं ले लूंगा आराम से। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास रखी हुई है एक बकेट, तो इस वाली चेस्ट में रखी होगी। जी हाँ, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरे को बकेट मिल चुकी है। और जो मेरे पास लावा है वो तो यार यहाँ पर पड़ा हुआ था, पता नहीं इसका नाम क्या था, मैं भूल गया। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो हमारा जो लावा जनरेटर है वो भी यहाँ पर क्राफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है ये शायद लावा को जनरेट करता है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, देखते हैं यहाँ पर पावर कितनी हो चुकी है। तो यार यहाँ पर जो पावर हो गई है वो यहाँ पर 900 हो चुकी है। तो सही में काफी ज्यादा मजा आ रहा है इसको करने में। और देखते हैं भाई अब हमें क्या बनाना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है हमारा जो जनरेटर है वो ब्लास्ट जनरेटर बचा होगा। तो यहाँ पर जल्दी से उसकी रेसिपी में देखता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा स्टीम जनरेटर और वाटर व्हील टू स्टार्ट मेकिंग पावर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को स्टीम जनरेटर बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ वाटर व्हील भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से इसकी यहाँ पर रेसिपी देखते हैं यहाँ पर क्या है इनकी रेसिपी है। ओ गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो स्टीम जनरेटर है वो यहाँ पर बनता है पिस्टन से। तो अभी पिस्टन की मेरे को रेसिपी याद नहीं, तो जल्दी से मैं इसकी रेसिपी देख लेता हूँ। ठीक है, पिस्टन यहाँ पर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। और गाइस पिस्टन बनाने के लिए यहाँ पर बहुत ही ईजी है। यहाँ पर हमें 4 कॉबलस्टोन चाहिए होंगे और एक रेडस्टोन और थोड़ी बहुत वुड। ठीक है, तो कॉबलस्टोन में जल्दी से ले आता हूँ और यहाँ पर अपनी जो पिस्टन है वो क्राफ्ट कर लेते हैं। ओ गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो मेरे पास यहाँ पर सैंड थी मैंने उसको यहाँ पर फर्नेस में डाल दिया। और देखते हैं हमारे पास यहाँ पर ग्लास ब्लॉक आ जाएगा जल्दी से ही। तो गाइस फाइनली जो हमारा ग्लास ब्लॉक है वो यहाँ पर आ चुका है। तो जल्दी से अपना जो जनरेटर था, पता नहीं स्टीम जनरेटर था, उसको यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा स्टीम जनरेटर है वो भी यहाँ पर फाइनली क्राफ्ट हो चुका है। और भाई ये मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा इसकी पावर है शायद 30 RF। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे ऑलमोस्ट जनरेटर बन चुके हैं। और अगर इंटरेक्ट करें तो भाई यहाँ पर पावर हो चुकी है इसकी 2000 RF। भाई सही में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है इसकी पावर। और अब देखते हैं यार हमारा जो लास्ट जनरेटर था जिसका नाम था कुछ वाटर व्हील था, तो देखते हैं भाई उसकी क्राफ्टिंग रेसिपी क्या है। तो मेरे को यहाँ पर जाना पड़ेगा क्राफ्टिंग टेबल में और यहाँ पर सर्च करता हूँ मैं वाटर व्हील। और भाई देख सकते हो इसको बनाने के लिए चाहिए होंगे यहाँ पर हमें एक वाटर की बकेट और यहाँ पर एक आयरन का ब्लॉक और थोड़ा बहुत और थोड़े बहुत ग्लासेस। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी से क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर 5 ग्लासेस हो चुके हैं। तो जल्दी से अपनी जो बैरल है यहाँ से वाटर में लेता हूँ। ठीक है, अरे बाहर क्यों निकल जाती है मेरे को समझ में नहीं आता। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो जो हमारी लास्ट जनरेटर था जो या फिर जो हमारी लास्ट मशीन थी वो भी यहाँ पर क्राफ्ट हो चुकी है, जिसका नाम है वाटर व्हील। और भाई ये तो काफी ज्यादा कम पावर देता है जो है 2 RF/s। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पर जगह बची इसको यहाँ पर लगा दिया मैंने। और गाइस फाइनली जो हमारी देखते हैं इसका इंटरेक्ट कितना हो गया है। तो गाइस आप देख सकते हो जो हमारे यहाँ पर पावर कोर का पूरा पूरी पावर हो चुकी है वो हो चुकी है 2700। तो यार यहाँ पर हमने जितने भी सारे के सारे जो उन्होंने टास्क बोले थे जो हमारे जनरेटर थे वो यहाँ पर हमने बना लिया। और भाई सही में बताऊं तो काफी ज्यादा मजा आया इनको बनाने में। तो गाइस यार आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और भाई सही में बताऊं तो आज की वीडियो में मेरे को काफी ज्यादा मजा आया जितनी भी जो ऑटोमेटिक चीजें इनको बनाने में। अब पर मेरे को ये नहीं पता इन सबका काम क्या है, ये सब हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। मतलब जो आगे की बुक है उसमें जो लिखा है उसी से हमें पता चलेगा। ठीक है यार, तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।